सर आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया है। सर हाँ हवलदार। लेकिन मैंने तो हवलदार को बुलाया था। सर मैं हवलदार ही हूँ। अरे तो फिर इंस्पेक्टर की वर्दी क्यों पहन रखी है? सर मैं इंस्पेक्टर ही हूँ। तुम इंस्पेक्टर भी हो हवलदार भी हो दो पोस्ट एक साथ? मतलब सर मैं इंस्पेक्टर ही हूँ लेकिन मेरा सरनेम हवलदार है। आई एम हवलदार मतलब आई एम इंस्पेक्टर नाम हवलदार। तुम्हारा केस तो इस केस से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इडियट। सर दो महीनों में ये पांचवी वारदात है जहाँ एक औरत पर बलात्कार करके उसका खून कर दिया जाता है। इस मामले में पुलिस क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हैं? हिला रहा हूँ। मेरा मतलब है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिला रहा हूँ। अगर पुलिस ये केस नहीं सॉल्व कर सकी तो हम किसी एक्सपर्ट की मदद लेंगे। एक्सपर्ट? कैसा एक्सपर्ट? जिसे रेप और मर्डर का एक्सपीरियंस हो जी? यानी कि जिसने ऐसे केस सॉल्व किए हो। लेकिन सर इन हत्याओं के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? टाइम पास। क्या टाइम पास? जब रेप हो रहे हैं तो मोटिव साफ है सेक्स। मगर सर सेक्स तो वो अपने पैसों से भी खरीद सकता है। हर कोई आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं होता मैडम। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इन सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है? वो इसलिए कि इस बार भी डेड बॉडी के पास एक लाल गुलाब मिला है और हमेशा की तरह बॉडी का एक पार्ट मिसिंग है। इस बार कौन सा पार्ट मिसिंग है सर? देखिए इस बार वो देखिए वो मैं टीवी पर फैमिली ऑडियंस के सामने नहीं बता सकता। तो फिर आपके हिसाब से और वो कौन हो सकता है? देखिए देखने में वो बिल्कुल आपकी और मेरी तरह एक मामूली सा साधारण आदमी है मगर उस मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक वैशी खूनी दरिंदा। अरे साहब आपको खामखा किसी ने भड़काया है? इस घर में कोई भूत वूत नहीं है। वो तो क्या है कि मार्केट से कम दाम में इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। ओ, मकान मालिक लगता है फिर से गायब होना पड़ेगा। आइए देखिए फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है। 24 घंटे बिजली 24 घंटे पानी और हवा और व्यू तो एकदम फ्री में है। अच्छा। अब आप एक काम कीजिए भाभी जी को लाइए और रहना शुरू कर दीजिए। क्यों दूसरी नहीं चलेगी? दूसरी चलेगी चलेगी ऐसी क्या बात है। एक मिनट हेलो। एक मिनट हेलो डार्लिंग। अब ये काम से आया था इसीलिए फोन नहीं कर पाया। कौन है आप? नाम नहीं रखा है। क्यों? पुनर्जन्म नहीं हुआ है। शरीर ढूंढ रहा हूं। मुझे ढूंढ रहे थे? मैं कहीं भी जा सकता हूँ तुम्हारे फोन में भी। फोन में क्यों? इनकमिंग फ्री है ना? कहाँ गया? अब तुम्हें मुझे अपना शरीर देना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिलती हूँ लोग उजागर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ये तू भूत हनुमान चालीसा बोल रहा है? भूत भूत ए ए भूत भूत भूत। कितनी गलत फहमियां होती है इंसानों में। अबे कहा ना वो दोनों यहाँ नहीं रहते। चल निकल यहाँ से। अरे क्या बात कर लो आपके तमन में क्यों नहीं आता? मैं दबी तो आपको थमदा लाऊं। दोनों ने मेरे को इधर कैद ले दिया बोला इधर आके वो तूत लेके जाना। चुप। अली मैंने उनको भाले पे दिया मेरा लॉन्डी का धंधा है बाबा। अबे अश्लील बातें करता है गंदा आदमी। मैंने बले बले आदमी को तूत अप्लाई किया मालूम है? जाना जाता नहीं। भूत 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 भूत। अरे यार ये क्या हो रहा है? कोई भूत भूत कह के भाग रहा है?
अरे वो हाथी जैसे मोचो ने कितनी जोर से मारा। अरे यार पीछे पोपट, आगे मकान मालिक, जाओ कैसे? सातवां ग्राहक पकड़ के लाया था, लेकिन वो भी ऐसे भाग गया जैसे भूत देखा हो। भूत? क्या हुआ, तुम क्यों चौंक गए? क्या तुमने भी भूत देखा है? हाँ साहब, तीन बार। तीन बार? कहाँ? सीढ़ी पे। बिल्डिंग की सीढ़ी पे? नहीं साहब, पायरेटेड सीढ़ी पे। अरे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली भूतों की बात कर रहा हूँ। वो करण और राहुल, वो दोनों कहीं छिप छिप के तो यहाँ नहीं आते। कैसी बातें करते हैं साहब, 5 फीट 10 इंच का आदमी जहाँ से जाएगा और मुझे देखेगा नहीं? मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। ये कौन? हेलो, बचपन से ही ऐसे हो? यू नो आई मीन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय बाय बाय। जरा संभाल के आ। चौफली, गॉड इज सो अनफेयर। अब बेचारे को सारी उम्र अकेला ही रहना पड़ेगा। नहीं डार्लिंग, खुदा जी सबके लिए एक जोड़ीदार बनाता है। देखो नी, तुमको हमारे लिए बनाया नहीं, इसलिए हम बोलता है कि गॉड इज सो अनफेयर। घर चलो। ए तो इधर ला, इधर ला, इधर ला। दुनिया से तो भाग सकते हो, अपने आप से कब तक भागोगे हैं? बाबा मेरा हाथ देखकर बताइए ना, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? हाथ देखने की जरूरत नहीं है बेटा, चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ। शनि तुमसे नाराज है। शनि दियो, शनिदेव, शनिदेव, 1,000 रुपए दो। बाहर बाहर गांव जाकर पूजा करवा के आता हूँ। 1,000 तो मेरे पास नहीं है। 800 रुपए है। वो भी नहीं है। 500? 200? 100 तो होंगे। फिर कितने हैं? हाँ, कुल मिलाकर 12.5 रुपए। तब तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, शनि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ जाओ, खाली करो। अरे ये तो इमोशनल हो गया। सुनो। हाँ? दिल के नेक लगते हो, इसीलिए एक बात बताता हूँ, सुन के जाओ। बोली। एक लड़की आएगी तेरी जिंदगी में। लड़की? और वो कोई मामूली लड़की नहीं होगी, ऐसी लड़की जिसके दिल पर तिल होगा। दिल पर तिल? हाँ, उस लड़की के आने से तेरी किस्मत बदल जाएगी, शोहरत तेरे कदम चूमेगी, पूरी दुनिया तेरे पीछे होगी और तू आगे। मगर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। जा ढूंढ। क्या देखते हैं? तो क्या खर्चा पानी? सॉरी सॉरी।